आई क्या नंबर लिया हो ये खिलाफ आदमी है रिपोर्ट है फिर दर्ज करके जांच शुरू कर दी हमारे बात भी भरत जोशी में साथ ये मांगा था कि मैं ये आमेट गर्ल्स स्कूल में ट्वेल्थ का एग्जाम हाँ बताइए सर हाँ हाँ बिल्कुल आमेट वाला जो इशू क्या ना है इस पर तक विभागीय क्या कार्रवाई हमने लगाई बोल रहे थे एक फाइल जमा करवाने के लिए 1300 रुपये मिल जाएंगे और अगर 1300 रुपये नहीं देंगे तो फिर बाद में वो फाइल जमा नहीं करेंगे किस चीज़ की आपने परीक्षा दी थी डाटा एंट्री फाइल की 12वीं की ओपन मटेरियल है सर कौन सी क्लास की 12वीं क्या नाम है आपका कविता प्राजापत फिर क्या आपने पैसे दिए इसको नहीं सर पैसे नहीं दिए आज थाने में कैसे पहुंचे आप सर वहाँ पे लॉक कर दिया था और मैं डर गई थी वहाँ पे तो फिर बाद में वहाँ से तो हमने फाइनल कर दिया मैंने बोला बंद कर दो ये सब सर और हमें एग्जाम देने दो तो एग्जाम हमारी फाइल के लिए बोला कि नहीं फाइल वगैरह तुम लोग जमा नहीं कराओगे तुम लोग जाओ यहाँ से तो बहुत मुश्किल से हमने लॉक खुलवाया और हम वहाँ से आ गए फिर बाद में कल परसों मेरे भाई पापा को बताया मेरे मामा को बताया फिर मामा ने बोला ठीक है मैं यहाँ मैं तुम पुलिस में एक बार रिपोर्ट करूँगा और बाद में सर से बात करूँगा एग्जाम देने गया था मैं स्टेट ओपन का डाटा एंट्री एग्जाम था स्कूल में गया था गर्ल्स स्कूल हाई आमेट तो वहाँ पर मेरे डाटा एंट्री फाइल जमा करने के 500 रुपये मांगे थे और जब मैंने देने से इनकार किया तो उन्होंने फाइल भी जमा नहीं किया बोला कि अब जमा नहीं होगी फिर जो मेरे धमकी नहीं रहते बोला कि नहीं कराना है तो फेल हो जाओगे मैंने वीडियो बनाया तो मोबाइल छीन लिया था मेरे से और बोला कि वीडियो डिलीट नहीं किया तो फेल कर दूंगा क्या नाम था मास्टर का मास्टर का नाम था महावीर प्रसाद वो डाटी वाला था और जब कितना कितने बच्चों से पैसे वो सब बच्चों से मांग रहा था पैसे दे रहा था उसकी फाइल जमा कर रहा था और जो नहीं दे रहा उसकी नहीं दे रहा था एक बच्ची से भी मांगे थे तो उसने थाने में मामला दर्ज किया तो उसके ऊपर दबाव बना के वापिस उसको गए तो समझौता करवा दिया गया अब मेरे ऊपर भी मेरे फोन करके बार बार मेरे दबाव बना रहे बार बार धमकी वगैरह फोन आ रहे मेरे को कि वाह मिल रहा है मेरे को ऐसे वैसे ये कर दो समझौता करो वो करो और नहीं तो ये कर दूंगा और मैं ऐसे धमकी वगैरह फोन आ रहे प्रिंसिपल क्या रोल है वो प्रिंसिपल भी मेरे को ये लगता है कि उससे मिली जुली है वो भी उसका साथ दे रही है वो बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा है जहाँ तक मेरी जानकारी में है प्रिंसिपल से मेरी जो बात हुई है उनका यह कहना था कि इस तरह का कोई प्रकरण है नहीं और इसलिए ये मामला हमने आपस में बैठ के सुलझा लिया है बावजूद भी अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो मैं निश्चित रूप से फ्री होकर के किसी अधिकारी को भेजूंगा या मैं स्वयं जा करके इसकी तहकीकात करूंगा और अगर इसमें ऐसी कोई बात पाई जाती है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी हम निश्चित रूप से करेंगे निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बात है तो उसका हम पता लगाएंगे क्योंकि स्टेट ओपन बोर्ड अपने आप में एक सेपरेट एजेंसी है जिसमें शिक्षा विभाग का अपना कोई भूमिका नहीं है बावजूद चूंकि हमारा वो कर्मचारी है अगर उसने वास्तव में ऐसी कोई गलत बात की है तो निश्चित रूप से विभागीय नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जानी होगी अपेक्षित होगी हमारे द्वारा की जाएगी।